नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सत्य सदा भीतर गहराई में छिपा होता है। ऊपर से जो दिखता है वे सही नहीं होता, लेकिन लोग उसी से निर्णय लेते हैं और धोखा खाते हैं। एक सूफी कहानी है। एक गांव में एक फकीर नीम के पेड़ के नीचे रहता था। राजा को पता चला कि वो कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि पहुंचा हुआ फकीर है, क्योंकि राजा उस वक्त उस रास्ते से रोज गुजरा करता, तो वो देखता कि ये फकीर सदैव ही अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। लोगों में भी उनकी बड़ी श्रद्धा उपजी थी। और इसी तरह राजा को जब मालूम हुआ कि ये वाकई ही बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, तो एक रात वे उसके पास पहुंचा और आग्रह किया कि आप यहाँ ना पड़े रहे, मेरे मन में आपके लिए बड़ी श्रद्धा उपजी है। चलें आप राजमहल में रहें, वहीं निवास करें। वे फकीर उचक कर राजे के घोड़े पर सवार हो गया और कहा, चलिए इस तरफ चलें। राजा को बड़ी मुश्किल हो गई। श्रद्धा एकदम थोड़ी सी समाप्त हो गई। उसने सोचा, ये कैसा सन्यासी, जरा सा इनकार भी नहीं किया। मैंने अभी कहा कि चलते हैं, ये तो चलने के लिए पहले ही तैयार हो गया। लेकिन राजा निमंत्रण दे चुका था, इसलिए फकीर को घर ले गया। एक अच्छे महल में फकीर को ठहराया गया। जो कुछ भी फकीर से खाने को कहा गया उसने खा लिया। जहां सोने से कहा गया वो सो गया। मखमली गद्दे थे, उन्हें भी उसने स्वीकार कर लिया। फकीर सभी रागा रंग का आनंद लेता रहा। राजा बहुत बेचैन हुआ। 6 महीने बीत गए फकीर को उसी राज में रहते। एक दिन राजा फकीर के कक्ष में पहुंचा और बोला, एक सवाल मेरे मन में उठा है, पूछ लूं। लेकिन इस बार राजा ने फकीर को प्रणाम नहीं किया, सलाम नहीं किया, कोई दुआ सलाम नहीं, कोई प्रणाम नहीं। उसने ये पूछा कि मेरे मन में सवाल उठा है, पूछ लूं। फकीर ने सहमति में सिर हिलाया। राजा ने पूछा कि अब आप जानते हैं मैंने आपको प्रणाम क्यों नहीं किया। तो फकीर तो भांप चुके थे कि राजे के मन में क्या, क्योंकि फकीर जानते हैं। तो राजा ने पूछा कि अब मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं, कि अब भी कोई फर्क है। फकीर ने कहा, तुम 6 महीने बाद पूछ रहे हो, ये सवाल तो उसी रात उठ गया था, फर्क जानना है। फकीर ने कहा कि तुम्हें तो जिस दिन मुझे लेके आए थे उसी दिन तुम्हारे मन में ये सवाल उठ गया, तो 6 महीने क्यों लगा थे? तो चलो उसी जगह जहां से यह सवाल उठा था वही जवाब दूंगा। वे गांव में नीम के उसी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां फकीर रहता था, मगर उसके आगे भी फकीर बढ़ता गया, वे चलते ही गए। राजा ने कहा, वे पेड़ भी निकल गया, अब तो आप जवाब दें। फकीर ने कहा, थोड़ा सा और आगे। फिर वे और आगे बढ़े तो राजा ने फिर कहा कि अब बहुत दूर आ गए, अब तो बताइए कि क्या फर्क है। फकीर ने कहा, नहीं अभी और आगे चलते हैं। कुछ देर और चले। राजा ने कहा, मैं इतना चलता नहीं, क्योंकि राजा हूँ, जहाँ भी जाना है सवारी आ जाती है, कभी चलता नहीं इतना, इसलिए मैं थक गया, अब मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे यहीं जवाब दीजिए। फकीर ने फिर से कहा, राजन थोड़ा सा और आगे। फिर वे गाँव की सीमा रेखा पर पहुँच गए जहां राजा का राज्य समाप्त हो जाता था। सामने नदी थी। फकीर ने कहा, नदी भी पार कर लें। राजा ने कहा, क्या मतलब है, अब यही उत्तर दे दीजिए, दोपहर हो गई, मेरे राज्य की सीमा भी आ गई, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। उस फकीर ने कहा, यही मेरा जवाब है, मैं तो इसके आगे जा सकता हूँ, क्या तुम साथ चल सकते हो? उस राजा ने कहा, मैं कैसे जा सकता,
मेरी पत्नी, बच्चे, मेरा राज्य महल सब इधर तक ही है। फकीर ने कहा, यही फर्क है हम दोनों में। मैं जा रहा हूं, फर्क दिखाई पड़े तो देख लेना। तुम्हारे महल में मैं था, पर महल मेरे भीतर ना था। तुम सिर्फ महल में नहीं हो, महल भी तुम्हारे भीतर है, इसलिए तुम छोड़ नहीं सकते। मैंने एक पल में छोड़ दिया, मैंने एक पल में छोड़ दिया। अपने जो उन्होंने कपड़े पहने थे, फकीर ने जो राजा का लिबास था वो भी वहीं पे उतारा और आगे बढ़ गए। कभी भी इस बात से धोखा मत खाना कि फकीर के भीतर वो सोना है जो डाल रखा है, वो कुर्सियां हैं जिस पे बैठे हैं, उनको इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं। उनके भीतर वो चीजें हैं ही नहीं, और जिनके भीतर वो पार ब्रह्म की जगह ये वस्तुएं घर कर जाएं, वो फकीर है ही नहीं। फकीर आगे बढ़ते चले जाते हैं और तुम पीछे बढ़ते हो, पीछे देखते हो। फकीर तो वो नदी का पानी है जो बढ़ता चला जाता है, कहीं भी चला जाता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।